आजादी के अमृत महोत्सव को कानपुर के मदरसों के बच्चों ने धूमधाम से मनाया। कानपुर जाजमऊ मोतीनगर पांचवी पार्क मस्जिद कुबा के बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर अपनी खुशी का इजहार किया और साथ में सारे बच्चों ने अलग अलग नाद पढ़कर फिजा को खुशनुमा कर दिया। बताते चले कि मोतीनगर पांचवी पार्क में मस्जिद कुबा में पढ़ने वाले बच्चों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाया। इसमें मुख्य रूप से हाजी हसन रूमी विधायक हाजी शहजाद अहमद ने बच्चों को ट्रॉफी व मिठाइयां देकर उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही में गुलाम कादिर साहब ने भी अपनी नातिया तराना से माहौल को खुशनुमा कर दिया और उन्होंने यह संदेश दिया कि देश में अमन चैन और भाईचारा बनाए रखे और अपने मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दी। इसमें मुख्य रूप से हाजी शहजाद अहमद, मौलाना अब्दुल कादिर कारी फैसल अलीमी, कारी नौशाद जहरी, कारी बहरुद्दीन, मोहम्मद शब्बीर असरफी, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अफसर वका, काशिफ ताहिर, गोलू शहनूर, फरहान इरमान, इरफान आदि लोग मौजूद रहे। सर, आपका नाम क्या है और आज आपने किस कौन सा पर्व मनाया है? मेरा नाम शहजाद अहमद है। मोतीनगर पांचवी पार्क में यह प्रोग्राम हुआ है। मस्जिद कुबा में एक मदरसा चलता है जिसका नाम है जियाउल इस्लाम। उस मदरसे को बच्चों ने आज 15 अगस्त के मौके पे, देश आज़ाद के मौके पे, आज़ादी के मौके पे प्रोग्राम किया। बच्चों ने आज़ादी के तराने गाए, गुनगुनाए, नाज़ शरीफ़ें पढ़ी, उलमा इकराम ने तकरीरें करी और ये बताया कि हमारे देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से किस तरीके से छुड़ाया गया, बचाया गया। इसमें आपने बच्चों को ट्रॉफी बांटी है, इसका मतलब क्या है, किस वजह से बांटा है? ये बच्चों को ट्रॉफी इसलिए बांटी है कि आइंदा सालों से जो भी प्रोग्राम है और बच्चे दिल से और खुशी से और प्रोग्राम अच्छे से करें, इसलिए उनका हौसला अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम। और आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे घर घर में 15 अगस्त के मौके पर घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं और आज़ादी को खुशियों से मनाएं। सर, आपका नाम क्या है? मौलाना गुलाम कादिर शाहिदी, नाजिम नाजिम दार नायब नाजिम आला दारुल उलूम शाला कुदरतिया जाजमऊ व नायब इमाम ईदगाह जाजमऊ। सर, आज आप यहाँ आए थे, आपने क्या देखा? आज 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाई गई है, उनमें बच्चों ने, इस मदरसे के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी हौसला अफजाई के लिए बानी कुबा मस्जिद जनाब शहजाद आलम साहब ने उन बच्चों को ट्रॉफियाँ भी दीं, उनका हौसला अफजाई की ताकि आइंदा देश के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए यही बच्चे जब कल जवान होंगे तो मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बानी करेंगे। आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को? तो मुल्क के लिए यही कहने के, वतन से प्यार करो, वतन से मोहब्बत करो और वतन के लिए अपनी जान निछावर करो। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।